तो किसे कहते हैं कि एक मस्जिद के खतीब ने अपने खुतबा जुमा में हाँ जी हमारे टीवी प्रोग्राम का जिक्र करके कहा हाँ जी कि ये नबी की नबूवत को नहीं मानते। अच्छा, इसलिए मैं नसीहत करता हूँ कि इनसे परहेज करें। परहेज परहेज शरीफ आदमी है वैसे, ये मैं मानना पड़ेगा मुझे। उलमा में सही फितरत है, इस लिहाज से ये नहीं कि मैं समझता हूँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनको पता नहीं, इन्होंने खुद मसीह इस्लाम की किताबें नहीं पढ़ी, वरना ही हो नहीं सकता था कि कहते नबी की नबूवत नहीं मानता। मगर गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं की, इश्तियाल नहीं दिलाया, लोगों को ये नहीं कहा जाओ इनके डिशन टने तोड़े और इनके ऊपर जुल्म करो। सईद फितरत आदमी है, दुआ करनी चाहिए अल्लाह इनको हदायत दे और इनको समझा दे कि नबी की नबूवत जैसे हम मानते हैं वैसे ही दूसरे लोगों को तसव्वुर ही कोई नहीं। जिस शान का नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझते हैं, मुकाबला करके देख लें। मेरे दफ़ा पास एक दफ़ा एक मौलवी साहब आए थे, मैंने कहा मुझसे ये मुनाजरा ना करो कि हम ख़त्म नबूवत को मानते हैं कि नहीं, तुम माने करो ख़त्म नबी इनके और मैं साबित करूंगा कि हम मानते हैं तुम नहीं मानते। जिन मानों को तुम कह रहे हो उनमें भी हम ही मानते हैं। दो कदम चले उसके बाद उन्होंने कहा मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, मुझे इजाज़त दें मैं फिर आऊँगा, दोबारा शक्ल नहीं देखी। तो मैं बड़ी तहदी से इल्म की बिना पर कह रहा हूँ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत का जो मकाम और जो मर्तबा महदी दौरा के ज़रिए अल्लाह की तरफ से हमें समझाया गया है, उसकी शान को ये आम दुनिया के मौलवी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए इन बेचारे का मौलवी साहब का ये ऐलान करना कि नबी की नबूवत नहीं मानते, ये लाइलमी है। लाइलमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी बात शराफत की है, अगर शराफत है तो भी झूठा नहीं होगा। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनके दिल में सआदत है, नेकी का बीज है और अगर हम दुआ करें तो हो सकता है अल्लाह ताला इनको हदायत फरमाए। मगर इनसे इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि इनको इल्म नहीं है, बेचारों को पता नहीं किसके मतलब क्या बात कर रहे हैं। हम नबी की नबूवत के ख़याल उसके सिवा है ही कुछ नहीं। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो इस फैसले को यूँ चुका देते हैं कि वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है, छोड़ो झगड़ों को, वो है मैं कुछ भी नहीं, इसी पे आ जाओ। यानी जो कुछ भी पाया मोहम्मद रसूलुल्लाह से पाया, फिर फरमाते हैं हम हुए खैर उमम, तुझसे ही है खैर रसूल, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने, ऐ सारे नबियों के सरदार, हमें जो उम्मत बेहतरीन उम्मत का खिताब मिला है तेरी वजह से मिला है, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने, ये हमारा अकीदा है। इसको आप कहते हैं नबूवत को नहीं मानते, अजीब बात है। आगे चलें,